शानुदार हमारी इंडस्ट्री के एक ऐसे सिंगर हैं जिनके नाम ढेर सारे रिकॉर्ड्स हैं। दादा सबसे पहले तो ये बताइए, 5 साल तक बैक टू बैक आपने फिल्म फेयर जीता, फिर जब आप 5वीं बार अवार्ड लेने गए तो आपने कहा भी भैया किसी और को भी दे दीजिए अवार्ड, तो ऐसा क्यों आ रहा था आने दो ना? ऐसा मैं सोचा था, एक गुड जेस्चर के लिए मेरे को ऐसा लग रहा था कि बार बार मैं आता हूँ और आके वो एक ही क्राउड एक ही अवार्ड वो बार बार लेके मैं, इसलिए मैं थोड़ा सा गुड जेस्चर के लिए बोला था कि किसी और को अगर मिले नेक्स्ट ईयर तो मुझे बड़ी खुशी होगी। शानुदा ये बहुत बड़ी बात है, कोई कहता नहीं ऐसे, बड़ा दिल है आपका, क्या बात है। बट उसका नतीजा ये हुआ। क्या हुआ? ये नेक्स्ट ईयर से बंद। और नेक्स्ट ईयर गाना कौन सा था ये भी बताइए। नेक्स्ट ईयर था तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। अरे वाह, सुपर डुपर हिट। दादा आपने तकरीबन 18 भाषाओं में गाने गाए, 23 लैंग्वेज, 23 में, तो एक दो ही और बची थी वो भी गा लेते। अभी लेटेस्ट मेरा एक एल्बम रिलीज हो रहा है जो अमोर करके, जी, जो लंदन में रिकॉर्ड हुआ, लंदन से ही म्यूजिक डायरेक्टर है, और उसका एक गाना मैं स्पेनिश में गाया। स्पेनिश में भी गाया? हाँ, स्पेनिश में एक गाना गाया, 6 गाना मैंने हिंदी में गाया। वो अभी थोड़ा बताओ अभी, दादा हमें अभी वो गा के सुनाइए ना, अभी अभी अत्रविति अत्रविति सुनाइए ना सर, थोड़ा बहुत माइक ऑन है क्या? थोड़ा एक लाइन ही सुना दी दादा। आपकी आवाज में जो एक मिठास आती ना, आप भाषा हमें समझ में नहीं आई लेकिन मजा बड़ा आ रहा था। शर्मा आपने कभी पंजाबी में तो नहीं गाना गाया ना? गाया लेकिन अभी नहीं, रिक्वेस्ट करना। अभी कुछ दिन पहले एक पंजाबी फिल्मों में गाना गाया, पंजाबी फिल्म के लिए उन्होंने गवा के गया था, पिक्चर का नाम क्या है पता नहीं, और मेरे को अभी रिक्वेस्ट करेंगे गा भी नहीं पाऊंगा क्योंकि एक तो पंजाबी मेरे को आती नहीं है, पूरी भाषा बोलने को नहीं आती है कुमार जी, लेकिन जैसे जैसे आप सिर्फ यही कह दीजिए, चक दे फटे नप दे किली सवेरे जलंधर शाम नू दिल्ली, चक दे फटे नप दे किल, चक दे फटे नप दे किली, नप दे किली सवेरे जलंधर शाम नू दिल्ली, सवेरे जलंधर शाम को दिल्ली, ठोको ठोको ताली। आपको पता पाजी, शानुदा अगर ये लाइनों को भी गा देंगे ना तो ये भी रोमांटिक बना सकते हैं, ऐसा जादू इनकी आवाज में। ओ चक दे फटे सुबह जलंधर शाम को दिल्ली, पाजी आप दिल्ली जलंधर का फासला इतनी जल्दी कैसे तय कर लेते हो? खैर शानुदा की जो आवाज है वो आवाज बहुत सारे जितने भी हमारे हीरो हैं उनकी आवाज बनी, तो हीरो की आवाज अगर यहाँ पे मौजूद है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हीरोइन की आवाज को हम मिस कर दें। सो आपकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा एक और लेजेंडरी सिंगर जिन्होंने 30 साल पहले अपने गाने की शुरुआत की, और जैसा उस समय उनकी आवाज में मिठास और फ्रेशनेस थी आज भी वैसी ही है, जोरदार तालियां मेरी फेवरेट अलका याग्निक जी के लिए। कुछ कुछ नहीं अलका जी, आज बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होने वाला है, जोरदार तालियां अलका जी के लिए और शानुदा के लिए। अलका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। सबसे पहले मुझे ये बताइए अलका जी, आप क्या खाती हैं? वही जो आप खाते हैं। मैं हूं इधर। तो फिर हमारे पे चीजें असर क्यों नहीं करती, हमारे अंदर ये सब चीजें क्यों नहीं आती हैं? मतलब जो आप करते हैं वो मैं नहीं कर सकती। हाँ, ये भी पॉइंट है, ये बात है ना। पर एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इतनी सुरीली और मीठी आवाज के लिए। अलका जी आप कॉमेडी नाइट्स में आई है, शानुदा यहाँ पे है, आप है, आज हमारी कॉमेडी नाइट्स में वो चीजें होने वाली हैं जो आपने पहले नहीं देखी, मतलब आज हंसी के साथ साथ मस्ती के साथ साथ टिंग तड़का भी होने वाला है। बाजी खुश हो गया, सुर और संगीत के भरे हुए समंदर हैं आप, मस्त बन के सबको कर दे मस्त वो कलंदर हैं आप, कुमार और अलका जी के गीतों पर झूमता है सारा जहां, आवाज की दुनिया के महान सिकंदर हैं आप। अरे वाह, स्वागत है आपका जी, सच्ची में अलका जी हमें बहुत इंतजार था कि आप शानुदा आने वाले हैं और हमारी सारी टीम एक्साइटेड थी कि आज थोड़ा मजा आने वाला है क्योंकि सब गाने बजाने के हम सारे शौकीन हैं, कहने का मतलब मेरे को आता नहीं है सीखा पर मेरे को पंगे लेने की आता है। क्या बात कर रहे नहीं अलका जी, मैं ऐसे सुन नहीं, मतलब बात यह है कि एंटायर मेरा करियर में मैं कभी सोचा भी नहीं था कि तुम कभी मेरे को बुलाओगे। अच्छा ये मेरा डायलॉग मेरे पे आ गया ना, आज कैसा लग रहा है मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आज, कैसा लग रहा है कुमार सानू अलका याग्निक के सामने खड़े होके, कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। फिलहाल वक्त है आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां अलका जी के लिए और शानुदा के लिए।
मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अलका जी और शानुदा दोनों में बहुत सारी कॉमन चीजें हैं, जैसे इन्होंने हजारों हिट गाने दिए, कई सारी फिल्मों में एक साथ गाया, और आज तो कॉमननेस की हद ही हो गई, मतलब दोनों एक साथ कॉमेडी नाइट्स में आ गए। बोला ना बोलेगा। और मैं अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि अलका जी 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड पा चुकी हैं, इनके नाम है, उसके लिए भी जोरदार तालियां बजती हैं। शर्मदा आप इतनी दूर दूर की बैठ गए हैं, नाराज हैं आपस में क्या? अरे कब से मैं यही मौका ढूंढ रहा था। अरे उनको दूर ही बैठने दीजिए। कब से मैं यही मौका ढूंढ रहा था, मुझे बोले इधर आके बैठो, मुझे परेशान कर, इतनी पास नहीं मैं होता था। कब से मैं सोच रहा था कि मेरे को कोई रिक्वेस्ट करे कि बाजू बाजू हम बैठे, फिर हम दोनों में बहुत बहुत ज्यादा प्यार है, समझ नहीं आ रहा है। पाजी मैं अपने सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अलका जी ने तकरीबन 20,000 गाने गाए हैं। अलका जी मोटा मोटा भी ऐसे पकड़ ले तो एक साल में तकरीबन 600 गाने और एक महीने में 50 गाने, तो मतलब रोज एक तो है ही है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो आज के जो गाने थे वो गा ही है कि घर जाके रिकॉर्ड करेंगे? आपको पता पाजी आजकल बहुत सिंगर हो गए हैं, एक फिल्म में अलग अलग सिंगर्स के गाने होते हैं। अलका जी शानुदा ये ऐसे सिंगर हैं, एक फिल्म पकड़ ली सारे के सारे गाने पढ़ लीजिए, सिंगर कुमार शानू अलका याग्निक, कुमार शानू अलका याग्निक। तो आप लोग क्या स्टूडियो में अंदर जाके अंदर से दरवाजा लॉक कर लेते थे? ऐसा कैसे था? अभी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आज क्या तब में क्या होता था कि हीरो तो एक ही होता था जी, तो आवाज भी उसका एक ही जैसा होना चाहिए जी, सही बात है। और आज के क्या हो रहा है कि एक ही हीरो कभी पतला आवाज में गा रहा है, कभी मोटा आवाज में गा रहा है, कभी उसका तबीयत ठीक नहीं है, कभी जुराब हुआ होगा, कभी कुछ हुआ होगा, उस हिसाब से उसको उसका आवाज मतलब अलग अलग होते हैं। अच्छा एक और चीज, एक और, हम लोग अंदर से कुंडी बुंडी नहीं मारते थे। तो दादा जब आपने और अलका जी ने साथ में सैकड़ों गाने गाए आपने, तो मतलब आप दोनों ही क्यों, मतलब आप लोग ऐसे पैकेज दे देते थे कि मैं और अलका गाएंगे तो? नहीं ऐसा नहीं, क्या क्या बोल रहे हो? नहीं, क्या होता था कि अलका जी का जो वॉइस फ्रीक्वेंसी है और मेरा जो वॉइस फ्रीक्वेंसी है बहुत मैच होता है। अच्छा जी, एक हीरोइन हीरो के आवाज में, हीरोइन के आवाज में एक मैच होता है, तो हीरो और हीरोइन जब चूज किया जाता है फिल्म के लिए तो दोनों का मैच करके ही चूज किया जाता था जी। ऐसा नहीं कि हीरोइन बहुत लंबा है और हीरो एकदम ठीकना। तो मैच कैसे करते थे? पहले ब्लड सैंपल लेते थे? नहीं। हमने थोड़ी डेलिबरेटली कोई जोड़ी बनाई, ये ऑटोमेटिकली बन गया, ये तो लोगों का प्यार है ना, कि लोग सुनना चाहते थे आपको बार बार कि पर्दे में जो हीरो हीरोइन आपको नजर आते हैं तो पर्दे के पीछे जो होते हैं वो हीरो हीरोइन आज हमारे साथ मौजूद हैं, तालियां बनती हैं। Very good. Hello, Anka ma'am. How are you? Fine, thank you. Pinky Tipu. So good to see you. I know. Koto bhalo lagla apnar ekhane esechen. Oh re baba, Bengali mein. Baba re baba, ek hi holo. Are ba, very good. Punjabi to shata. Amra tin jon ekhane Bengali, mane Bengali bolte pari. Ar ekta duto. Ajon jani na. Ki bolchi? Bachchi ki bolchi? Janta ko khet ke sath suchit kiya jata hai ki ye program jo DD Bangla pe shift kar diya gaya hai. इसके ना मायके से कोई आ जाए ऐसे झट से, पाजी आप पंजाबी लग रही है, आ जा आ जा आ जा आ जा आ गई हो रही, आडू जर का मुंह कट गया हिंदी। कपिल जी, आप इतना जल क्यों रहे? मैं तो एक्साइटेड हो गई कि इतने दिनों बाद हमारे घर में इतने सुरीले लोग आए, तो मैं खुश हो गई। ये बात तो सही कही, ठीक बोल रही है, बात सही कही, ये खुद बड़ी सुरीली है आपको पता है अलका जी? अरे अच्छा मैं तारीफ करता हूँ, लोग ऐसे ये बड़ी सुरीली है, गवा के देख लेते हैं, गवा के मतलब ये अपने पापा को आवाज देती है ना, पापा 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 लगातार बुला लेना 5-6 बार तो मुर्गी वाले सुर निकलते हैं, पापा पापा पापा। मेरे पापा ने ना आपको बहुत ही कीमती चीज दी है जो आप भूल रहे हैं। क्या? ये मोपेड ना? अपनी बेटी। पापा ने कौन बेटी दी? अच्छा आप? मुझे नहीं पता था आप इतनी कीमती है। मेरे को खुद बोलते हैं इनके पिताजी, कहते हैं मेरे पास सबसे कीमती चीज है मेरा पेन। मैं कहा वो क्यों? कहता मैं लाखों के चेक साइन करता हूँ,
तो मैंने कहा बैंक में अकाउंट भी तो खुलवाओ, चेक साइन करके ना तकिए के नीचे रख रहे हैं। सच्ची में चेक साइन कर करके ना अलका जी तकिए के नीचे रखते रहते, फिर कहते पैसा बड़ा आ गया नींद नहीं आती। आप क्यों उसके पीछे पड़े रहते हैं? अच्छी खासी है। मामा का पापा को बदनाम किए जा रहे हैं। सच्ची में यार तुम एक काम करना ना मंजू, नेक्स्ट टाइम तो पापा को बुलाओगी तो पापा 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 ऐसे बुलाना। झगड़ा क्यों करते हैं आप लोग? कुछ तो करना है, सारा दिन फ्री है, कुछ झगड़ा ही कर लेते हैं फिर। क्या करें? आप लोग दोनों क्या कभी रोमांस नहीं करते? मैं यही बात पूछने वाला था। मैं वेजिटेरियन हूँ दादा, मैं नहीं। क्यों ऐसा कैसे? तो वेजिटेरियन लोग रोमांस नहीं करते, इसका मतलब फिर तो गुजरात में कोई रोमांस ही नहीं करेगा।